iPad Air 4 बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज थी, आ चुकी है। इसका क्या प्राइसिंग है इंडिया में, स्टार्टिंग स्टोरेज का एंड स्टोरेज का क्या प्राइसिंग है, iPad 8 जनरेशन का क्या प्राइसिंग है, दोनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा एक तरीके का बाइडिंग गाइड वाला वीडियो है, तो पूरा देखना। लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, 54,900, सो एक्सपेंसिव। पिछले जनरेशन का जो iPad Air आया था वो तो भाई बहुत सस्ता था, इससे 10,000 सस्ता था, पर ये जिस प्राइस के हिसाब से आया है, A14 64GB की स्टार्टिंग स्टोरेज, बेजललेस डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर, टच आईडी, बहुत सारी चीजें हैं, एप्पल पेंसिल सपोर्ट, एप्पल का मैजिक कीबोर्ड सपोर्ट, तो भाई बहुत तगड़ी चीज है। जो प्राइस है ना वो ओवर लगेगा आपको, पर देखो भाई आपको पैसा खर्चना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें दे रहा है ना वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि A14 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसमें हम सोचते थे कि भाई इसमें हमें कुछ माइनर सा इम्प्रूवमेंट मिलेगा जो प्रो से डाउनग्रेड होगा, और यहाँ तो कुछ और ही आ गया जो माल मसाला एकदम अजीब सा है, पर जो आया है वो अभी बहुत तगड़ा है। iPad 8 जनरेशन में मुझे बहुत बात अजीब सी लगी है भाई, इसमें जो चिपसेट है वो है A12 बायोनिक। भाई जिस प्राइस में दिया है तुमने बहुत सही दिया है, बहुत तगड़ा निशाना तुमने मारा है। एप्पल ने इसमें की स्पेसिफिकेशन अपग्रेड नहीं की है, सिर्फ एक प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर अपग्रेड किया है। इसका जो प्राइस है वो सिमिलर है वाईफाई का या फिर सेलुलर का। एक्सेसरीज की बात करें तो भाई iPad Air 4, iPad 8 जनरेशन दोनों सपोर्ट करता है 20 वोट का फास्ट चार्जर। iPad Air 4 में हमें 20 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है इन बॉक्स, iPad 8 जनरेशन में भी हमें मिलता है इन बॉक्स 20 वॉट्स का चार्जर। 30,000 में हमें A12 बायोनिक मिलता है, पर कुछ इंटरनल में ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं है, और थिन भी नहीं है, लेमिनेटेड डिस्प्ले भी नहीं है 68,900, और वाईफाई प्लस सेलुलर में जो 64GB मिलता है iPad Air 4 में वो मिलता है हमें 66,900, जो 256GB का स्टोरेज है वो मिलता है 80,900 में। तो भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गया जो प्राइस है उसके हिसाब से। देखो भाई जो स्पेसिफिकेशन है वो तो ओवरऑल सही है, और जो iPad 8 जनरेशन है उसमें हमें मिलता है भाई 29,900, 128GB 37,900 का मिलता है, वाईफाई प्लस सेलुलर में देखे तो भाई 32GB जो है वो मिलता है 41,900, और 128GB मिलता है 49,900। कोई भी एक एवरेज कंज्यूमर, मैं या फिर आप, मैं तो भाई 32GB तो भाई एक दिन में भर डालूं, 256GB तो भाई आधा भर जाए, तो मेरी बात तो अलग है, पर अगर आप एज अ कंज्यूमर देखते हो ना, तो भाई 32GB कोई सेंस वाली चीज नहीं है, पर को स्टोरेज बढ़ा देनी चाहिए थी यार। तो दोस्तों अभी बात करते हैं भाई जो iPad 8 जनरेशन है या फिर iPad Air 4 है, वो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है, एटलीस्ट नहीं है, तो आप iPad 8 जनरेशन ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, भले ही उसका एक प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है तो भी बुराई नहीं है उसमें। उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको मिलेगा, और जो iPad Air 4 है, अगर आपका बजट जो है वो 40,000 से ऊपर जा सकता है, iPad Air 4 ले सकते हो। दोनों की अवेलेबिलिटी अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और आप तब से आपको iPad Air 4 या फिर iPad 8 जनरेशन मिलने लगेंगे, और ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना, लंबी निकलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।